हाँ, नदी में इतना पानी आया है मानो बाढ़ आ गई हो। ये नदियाँ बनती कैसे है? जब भी बारिश होती है या बर्फ पिघलती है तब पर्वतों से छोटे छोटे झरनों के रूप में पानी नीचे की तरफ बहता हुआ तालाब या समुन्दर की ओर आ जाता है। बहुत सारी उपनदियां मिलकर एक बड़ी नदी का रूप लेती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल है, जिसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है। और भारत में? भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा मुख्य है। तो क्या नदियाँ मिलकर समुद्र बनाती है? नहीं, 4,600 मिलियन वर्ष पूर्व जब वायु के बहुत बड़े बादल और धूल मिट्टी से पृथ्वी का सर्जन हुआ तब वे बहुत ही गर्म और धुएं से सनी हुई थी। धीरे धीरे इसके ठंडी होने के पश्चात बारिश हुई और जहाँ जहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे वहाँ पानी भर गया। यही हमारे समुद्र है। आज पृथ्वी के दो तिहाई हिस्से में पानी है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, एंटार्कटिक और सबसे बड़ा पैसिफिक। और भारत में बड़ा हिंद महासागर है ना? हाँ, मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जैसे कि कुदरती तेल, खनिज, वायु, खुराक, परिवर्तीय ऊर्जा और विशेषतः बारिश, इनका स्रोत समुद्र ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इसे मिलावट और प्रदूषण से बचाएं।